गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू बीइंग। तो आवाज़ से ही पता चल रहा होगा, जैसा कि आपको पता है लास्ट वन वीक से हमारा कोई व्लॉग नहीं आ पा रहा है। रीज़न ये है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है और आज भी मैं जस्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को अपडेट देना ज़रूरी है। अभी सुबह सुबह भी मुझे इतनी वीकनेस फील हो रही है, मेरे अंदर आयरन और विटामिन डी की बहुत कमी आई है जिसके मेरे इंजेक्शन्स भी लग रहे हैं और सुबह सुबह मुझे चक्कर आना शुरू हो गया, बीपी में फ्लक्चुएशंस हो रहा है। तो हमें अभी हम आए हुए हैं मेडिकल स्टोर पे दवा लेने, अमित गए हुए हैं और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। तो सॉरी फॉर दैट, हमारा कोई व्लॉग नहीं आ पा रहा जस्ट बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है मुझे। तो जैसे ही मैं रिकवर करती हूँ मैं आपके साथ वैसे ही डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ जैसे मैं करती थी, और कोशिश करूँगी अगर मुझे बेटर फील हुआ तो मैं आज का ये व्लॉग पूरा कंटिन्यू करूँ और आज की एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करूँ। अमित गए हुए हैं सामने लौकी लेने क्योंकि मॉर्निंग में वो डेली लौकी का जूस लेते हैं, बहुत हेल्दी होता है। मुझे भी फोर्स करते हैं पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उसकी स्मेल भी। इसे देखो सामने से कैसे आ रही है। अरे व्लॉग में ही आना था तुझे, हट। इतने दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा, बीच बीच में मेरा मन भी कर रहा था मैं छोटा मोटा कुछ रिकॉर्ड करके डालूँ, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, लेट्स टेक अ ब्रेक। ज़िंदगी में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपका पूरा दिल ना करे किसी काम को करने का आपको वो काम नहीं करना चाहिए, तो जान से बढ़ के थोड़ी ना कोई चीज़। आ गया मूड। हम आ चुके हैं घर और मैं बनाने जा रही हूँ अभी अमित के लिए लौकी का जूस और उसके बाद मैं जाके रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, उसके बाद नहाना धोना करते हैं अपना। लौकी का जूस बिल्कुल बन के रेडी है, इसको सर्व करते हैं। एक बार इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो हमने काला नमक और मसाला डाला है वो मिक्स हो जाए अच्छे से। हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको सर्व करते हैं। आई एम फीलिंग बेटर पहले से, मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। शुभी बुआ के पास से आया तो मुझे बुआ ही बुआ बुलाया जा रहा है। क्या दिखाओगे बेटा? बारिश हो रही है, वो बारिश दिखाने के लिए बुला रहा है। मैं दिखा कैसे बारिश को एंजॉय कर रहे हैं सर। देखो पहले दिखाओ क्या दिखा रहे हो। रुक गए, हटो हटो हटो, देखने तो दो मुझे बारिश। कितना प्यारा मौसम हो रहा है, शिमला जैसा हो रहा है, अंदर ठंडा ठंडा। ये कितना मजे ले रहा है, गाड़ी धुल गई फ्री में। कुफरी जैसा सीन हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं, हल्की हल्की बारिश। सैंडविच तो तुम बना दो, मिट्टी बैठने वाले रहता है। लेकिन पूरे टाइम ऑफिस में ऐसे नंगा बैठ के करता है, जब मीटिंग होती है तब जल्दी से शर्ट डाली जाती है। वर्क फ्रॉम होम के नुकसान है ये। हाँ बेटा, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। ये देखो ये नया ब्लॉगर आपको ब्लॉगिंग करेगा, दिखाएगा। अम्ब्रेला दिखा रहे हो। गुड मॉर्निंग गाइस, कल का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया, अगेन सेम थिंग, वही इंजेक्शन लगने के बाद फीवर एंड ऑल हो गया था। तो ये सब छोड़ के आगे की बात करते हैं। आज अभी आज का मेरा क्या प्लान है कि अभी मैं जाने वाली हूँ मम्मी के साथ, कुछ काम पेंडिंग है उनके बैंक के, बैंक में जाकर वो काम कराने हैं। आफ्टर दैट उनकी फिजियोथेरेपी करानी है और उसके बाद रिटर्न मैं वापस यहाँ आ जाऊँगी ससुराल।
तो चलिए मॉर्निंग की स्टार्टिंग करते हैं। अभी हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं जस्ट, और अमित ने अपना ऑफिस ज्वाइन किया हुआ है। निकलते हैं अपने काम के लिए। मैं निकल पड़ी हूँ जाने के लिए, और अभी तभी मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं रोड तक। रब्बा गर्मी ये तो है, ऐसी गर्मी में क्या ही हाल होगा इंसान का। अभी मैंने छोड़ा हुआ है मम्मी को थेरेपी कराने, और मैं आई हूँ उनके कुछ जेल लेने और अपनी मेडिसिंस लेने। इस टाइम शेड्यूल बड़ा हेक्टिक हुआ है, तो उसकी वजह से व्लॉग वगैरह भी ढंग से शूट नहीं हो पा रहा है। मैं थोड़ा सा रिकवर होने के बाद अपना बेस्ट ट्राई करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने का। मज़ा आ रहा है ना? डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स ट्राई करी जा रही है मम्मी के ऊपर, होपफुली जल्दी से इनका हाथ ठीक हो जाए। थेरेपी कराने के बाद अपन जा रहे हैं अपने अपने घर। मम्मी जाएंगी घर पे, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी, और उसके बाद मैं जाऊंगी। फाइनली गाइज, आई एम विद माई स्कूल। मैं घर पे आ चुकी हूँ सारे कामों से फ्री होके। पूरा दिन बहुत ही बिजी गया, जैसा भी जितना भी पॉसिबल हो पाया मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों को दिखाने के लिए। और विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाऊँ अपने व्लॉग्स में। अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा, टच वुड। बहुत मेहनत करके आई है, पूरा दिन दोपहर में सारे ऑटो से ट्रैवल करके आज काफ़ी टाइम बाद। काफ़ी सारे काम पेंडिंग थे और अमित को टाइम नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने और मम्मी ने मिलकर सब कवर कर लिया। आप ऐसे सारे काम पेंडिंग थे। यस, सारे काम। प्यार देते रहो, चैनल को सपोर्ट करते रहो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।